दिल्ली में 12 मई को चुनाव होने हैं और इस चुनावी मौसम में दिल्ली पुलिस की नजर है पहलवानों पर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जिम पर पुलिस की पैनी नजर है। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपना इलेक्शन सेल बनाया है और अखाड़ों और साथ ही साथ जिम में काम करने वाले पहलवानों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव का मौसम है, ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहलवानों की जो डिमांड है वो बढ़ गई, खासकर जो जिम ट्रेनर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं इन ट्रेनर्स को अपने साथ रखते हैं ताकि कोई उनके साथ अप्रिय घटना ना हो या किसी और तरीके से उनका यूज किया जाए। दरअसल चुनाव के दौरान कई उम्मीदवार अपनी सुरक्षा और रसूख के लिए भारी भरकम पहलवानों को अपने साथ रखते हैं, इसलिए जिम और अखाड़ों के पहलवानों की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार इन पहलवानों पर दिल्ली पुलिस की निगाहें बनी हुई है। दिल्ली पुलिस शहर के अंदर जिम और अखाड़ों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किस जगह से कितने पहलवान चुनाव में जा रहे हैं। जिम के ट्रेनर भी मानते हैं कि कुछ लोग ठीक इलेक्शन से पहले वर्कआउट के लिए आते हैं और इसके पीछे मंशा होती है, फटाफट बॉडी बनाओ और उम्मीदवारों के साथ लग जाओ। सुरेंद्र, किस तरह की कवायद की जाती है, खासकर अगर इलेक्शंस की बात करूं? ये एक ट्रेंड है, पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है, जिसमें कि जो जिम ट्रेनर्स हैं या जो जिम आपके पास लोग आते हैं करने के लिए, उनको खास तौर की अगर ध्यान दिया जाए, इलेक्शन के टाइम पर ज़्यादा मूवमेंट होता है। हाँ, इलेक्शंस के टाइम पर कुछ जितने भी न्यू कमर्स बॉडी बिल्डर होते हैं या बोले जिन्हें बिगनर्स होते हैं, वो हमारे जिम आते हैं ज्वाइन करने के लिए, और उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि फास्ट से फास्ट गेन कर सकें। हम लोग उनसे पूछते भी हैं कि आपको फास्ट गेन किस लिए करना है, तो उनके पास एक अजीब सा रीज़न होता है कि एज अ बोन्सर हमें जॉब मिल रही है, जो जितने भी नए राजनीति में बोले तो राजनीति के लिए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंडर बोन्सर्स के लिए कोई जॉब प्रोवाइड होती है, उसके लिए हमारे पास आते हैं, नए बच्चे आते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें खासकर जो आते हैं, मतलब उनके क्या ट्रेंड होता है कि वो 2 महीने में गेन करना चाहते हैं, साथ साथ वो आपको क्या ये भी बात बताते हैं कि हम फलाने उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं ताकि जो प्रचार अगर हम करें तो हमें इसलिए रखा जाता है ताकि कि वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, हम इसलिए हैं? हाँ, मेन मोटिव उनका यही होता है कि उनको उम्मीदवार जो है वो पहले से ही बोल देते हैं कि अगले आने वाले 3 महीने में अगर आप जल्दी से जल्दी थोड़ा तगड़े हो जाएंगे या फिर थोड़ा हेल्दी दिखाई देंगे तो आपकी जॉब पक्की है। दिल्ली पुलिस अपने इलाके के सभी अखाड़ों और जिम से वहां काम करने वाले पहलवानों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। मकसद साफ है कि प्रत्याशी इन पहलवानों का गलत इस्तेमाल कर चुनाव में गड़बड़ी न फैला सके और देश के सबसे बड़े चुनाव को शांति से निपटाया जा सके। दरअसल हम लोग तो जिम इसलिए कर रहे हैं ताकि खुद को फिट रख सके, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर तमाम ऐसे, ये कहा जाए कि कुछ मसल्स मैन आते हैं जो पर्टिकुलरली जिम्स में रुक करते हैं और 2-3 महीने के लिए वो आते हैं, अपनी मसल गेन करते हैं, और उनका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि उम्मीदवारों के साथ लगे, कहीं ना कहीं दबंगई दिखाएं, और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जो उम्मीदवार है वो उनको अपनी सुरक्षा के लिए भी रखते हैं। तो इस तरह के तमाम केसेस जो है वो सामने, और खासकर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो ऐसे तमाम जिम्स से वो डाटा इकट्ठा कर रही है ताकि अगर कोई शख्स 2 या 3 महीने के लिए जिम ज्वाइन करता है और वो इस तरह से ये कहा जाए कि उसका पर्पज़ ये होता है कि उसको उम्मीदवारों के साथ लगना है और कहीं ना कहीं पैसे कमाने, तो इस तरह की जो डाटाबेस है वो दिल्ली पुलिस हमेशा जिम वालों से मांगता है और ये तैयार करता है ताकि उन पर पैनी नज़र रखी जा सके।